हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव नोन कमाल सिद्दीकी साहब फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इफ यू हैवंट देन यू वुड गेट नो हिम एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर बिकॉज ही इफ यू अ जर्नलिस्ट और यू एसोसिएट विद द फ्रटर्निटी he has done a lot of work and continues to do a lot of work for the industry and for people associated with it. आज हमारा मकसद इनसे बातचीत करने का ये है कि he has decided to leave the CEJ, he has decided to pass the torch on to whoever comes next, we don't know yet. But इनसे हम इनके experience का पूछना चाह रहे थे. But before we sort of go into the question answer round, मैं आपको थोड़ा सा disclaimer दे दूँ कि मेरे हाथ में phone इसलिए है कि ये थोड़े से planted questions जिन्होंने मुझे भेजे थे वो हम यू नो मैं क्योंकि क्रेडिबिलिटी मेरी है तो इसलिए मुझे यहाँ बिठाया गया है इनसे सवाल पूछने के लिए. तो ये डिस्क्लेमर शॉर्ट मैं आपको पहले ही दे दूँ. तो कमाल साहब पहले तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दें, थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट आई हैड. सो इन टर्म्स ऑफ माय बैकग्राउंड मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था एज अ जर्नलिस्ट इन 1991. द न्यूज़ वॉज लॉन्च्ड एंड आई वॉज पार्ट ऑफ द लॉन्च टीम. And that's where, at that time, I अपना मास्टर्स कर रहे थे जर्नलिज्म कराची यूनिवर्सिटी से. सो दैट्स वेर आई स्टार्टेड माई करियर. तो करियर हैज़ गॉन डिफरेंट प्लेसेज. आई वर्क इन द न्यूज़, देन आई वर्क इन डॉन, आई वर्क इन डिफरेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव टॉट जर्नलिज्म एज वेल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल. एंड ट्रेनिंग्स भी किए, तो बहुत वेरीड मेरा इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपीरियंस रहा है. विद द सेम थॉट इन माइंड, व्हाई जर्नलिज्म? आई एम श्योर जब आप पढ़ रहे थे या आप यू नो मेरी उम्र के थे उस जमाने में, तो आप वो वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड जॉइनिंग एन इंडस्ट्री लाइक जर्नलिज्म? व्हाट वाज इट एक्चुअली फ्लरिशिंग एट द टाइम और वर देयर डिफरेंट आइडियल्स इन योर माइंड? आई थिंक देयर टू थिंग्स दैट मेड मी अ जर्नलिस्ट. आई थिंक एक तो ये था कि आई लाइक टू राइट और इंग्लिश कॉम्पोजिशन होता था उसमें, आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, सो दैट वाज वन. फिर मेरे कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको मैं बड़ा आइडियलाइज करता था. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स नो दिस, बट एक कैरेक्टर टिंटिन उसका नाम है और एक फ्रेंच वो कार्टून सीरीज थी उसका कैरेक्टर है. वो टिंटिन वॉज इट रिपोर्टर एंड वैन आई यूज टू रीड हिम आई वॉज मच यंगर, 7-8 ईयर्स ओल्ड. तो उस वक्त ही वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. सो दिस फैसिनेशन अबाउट अ जर्नलिस्ट गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइटिंग द बैड पीपल, दैट वॉज वन थिंग. फिर एक और कैरेक्टर था कर्मिट द फ्रॉग सेसमी स्ट्रीट के, वो भी एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट था. उसके साथ जो होती थी, जो एक्शन होता था, जो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड. सो दिस इज़ सम ऑफ द, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक व्हाट मेड मी अ जर्नलिस्ट आल्सो वाज द फैक्ट कि आपको शायद ये ना पता हो कि ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं वो मैथ्स में बहुत बुरे होते हैं. तो जब आपका मैथ्स का रास्ता बंद हो जाता है तो आप सोचते हैं अब क्या करें, तो आप कहने साफ़त. बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ अ प्रोफेशन दैट इंटरेस्टेड मी व्हेन आई स्टार्टेड इट. एंड व्हाट आई सी लुकिंग बैक इज़ दैट दिस प्रोफेशन डजंट गिव यू मनी इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल who were at my stage. I did my BCom, so they eventually ended up, you know, in banks, in financial institutions, in the pharmaceutical sector, everywhere. Kuch CEOs bhi ban gaye and they earn possibly 10 times of what I did, but I have no regrets. I think the whole profession, what I did, what I wrote, what I trained, there are no regrets there about in terms of choosing a wrong profession. I think a journalist is somewhat, in some ways you're born to be a journalist sometimes, so that I think is my case. तो कुमार साहब इंस्पिरेशन आया कार्टून कैरेक्टर्स से और थोड़ी सी आपने अपनी ज़िंदगी के लिए आसानी ढूंढी कि मैथ्स नहीं करना पड़ेगा. 1991 में आपने ज्वाइन किया. आज अगर आप ये एवोल्यूशन देखते हैं पिछले 20 साल का, आज अगर कर्मिट द फ्रॉग ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट होते, हैव यू सीन दिस इंडस्ट्री चेंज ओवर टाइम एंड आज कर्मिट द फ्रॉग का क्या हाल होता? आई थिंक कर्मिट का सबसे बड़ा मसला तो एथिकली बड़ी गलत चीज़ें करता था उसके ऊपर मैं फिर साथ साथ में वो बेचारा वो बहरिया टाउन पे रिपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है. वो बहुत सारी चीज़ों पे स्टेट के बारे में वो नहीं रिपोर्ट कर पाता, तो वो आई थिंक वो छोड़ चुके, रिटायर होके अब किताब लिख रहा होता वो, दैट्स वन थिंग. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के इन टर्म्स ऑफ आर प्रोफेशन इज़ चेंज्ड. What our profession was, हम लोग देखते हैं कि अभी restrictions हैं, censorship है, but we don't take into account of lot of other things. For example, when Pakistan 1947 में हमारे पास जो media थी, it was just newspapers. It was not sort of, you didn't have, TV came later, radio was there, but radio was state owned.
TV was state-owned. If people wanted to hear the news in the time when Ziaula ki dictatorship thi, Ayub Khan ki dictatorship thi, they would turn to the BBC radio. So, ye nahi hai ki censorship nahi thi, but the bottom line in all this censorship that even we face today is that jisko khabar chahiye hoti usko mil jati hai. Aaj mujhe agar khabar chahiye, main mainstream media nahi jata hoon, I go to Twitter to get my news. So everywhere there is, if somebody wants to get the truth, if somebody wants to get the story, they eventually do get it. सोचा तो है, मैंने एक चैप्टर लिखा था, फिर मैंने अपने दोस्त को दिखाया था जो लॉयर है, तो उसने कहा था अगर आप ये लिखेंगे तो आप बहुत सारे आपके पास केसेस हो जाएंगे. तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि मैं लिख लेता हूँ, फिर मे बी व्हेन आई डाई और लेट्स सी हाउ इट गोज़. बट आई ऑनेस्टली वॉन्ट टू राइट अ बुक फॉर अ कपल ऑफ रीजंस ऑन अ मोर सीरियस नोट. एक तो ये कि आई ऑलवेज व्हेन दीज जर्नलिस्ट ऑल्सो कम टू सी जे एंड दे गिव लेक्चर्स अ लॉट ऑफ देम, आई टेल देम कि प्लीज़ राइट अ बुक. बिकॉज जब हम पाकिस्तानी जर्नलिज्म की बात करते हैं, इट्स हैज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन. आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैव बीन पुअर इन देयर वर्क, दे हैव डन अमेजिंग वर्क, बट देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ दिस. जब मैं मास्टर्स की MSc की क्लास पढ़ाता था, प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म पढ़ाता था, उसमें मुझे जब मैं एग्जाम्पल्स लेता था, दे डिडंट कम फ्रॉम बुक्स, दे केम फ्रॉम माई मेमोरी और द मेमोरीज ऑफ अदर्स और सम नोट्स दैट वी हैड. वी नीड टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि द रोल दैट द मीडिया प्लेड when it comes to martial law, when it comes to moments of national crisis, East Pakistan ke jab hua tha, aur bahut sari crisis, media ke kya role tha isme, aur wo kitabein bahut kam hain, aur usme se unfortunately kuch kitabein honest bhi nahi hain. So I think it's time journalists understand ke we have to create that, and time and again we are seeing a lot of these journalists passing away, and with them goes a little part of the history of journalism. So that's the sad part. Absolutely. आपने बात की कि पिछले 30 साल में बहुत चेंजेस हुए हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन इम्पोज्ड, बट आल्सो वी सीन किस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और उसके साथ साथ द रोल ऑफ जर्नलिस्ट हैज चेंज्ड. हाउ हैव यू कोप्ड विद दिस? हाउ हैव यू केप्ट योरसेल्फ अपडेटेड एंड यू नो रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, आई हैव सीन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब द न्यूज़ लॉन्च हो रहा था तो न्यूज़ में जो न्यूज़ रूम था उसमें कंप्यूटर्स थे. दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम यू हैड कंप्यूटर्स इन अ न्यूज़ रूम इन पाकिस्तान. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर के प्रेस क्लब में हम जा रहे थे, तो कराची प्रेस क्लब में मेंबर्स भी नहीं थे, हम बड़ी मुश्किल से अंदर जाते, तो एक साहब खड़े हुए थे, उससे मेरे किसी कलीग आई थिंक ओवैस तौहीद ने कहा कि सर ये तो सारे कंप्यूटर्स हैं. तो वो साहब बड़े से निकलते, उन्होंने कहा कंप्यूटर्स क्या करते हैं, स्टोरी तो इधर होती है, और हंसने लगे हमारे पर कि हम लोग तो बहुत बेवकूफ़ हैं. बट द पॉइंट इज़ दैट you have to take advantage of technology. That newsroom that was there today is now a newsroom in all news organizations of Pakistan. Mere samne ek example hai, mere senior the hain Ziauddin sahab. To jab humne Tribune launch kiya to Ziauddin sahab was the executive editor, I was the editor. Ziauddin sahab ko main dekhta tha, wo Twitter pe bhi hote the, wo sari jo technologies unke, he knew all the things that the younger people were talking about in terms of social media. He kept, so that is where I understood that you know you have to be on top of your game. If for example you do not know what your, or jo reporters hote hain waise by nature cynical hote hain, they smell out people if they know ki isko pata nahi, pe usko tang karte hain. So it's very important for you to know the technologies, to know what's happening. Even if it comes to stories, you should know what's happening in the stories. That's the only way you can be ahead of not just your competition, but you have, if you're managing a newsroom, you have to do this, you have to have that knowledge. Sir, talking about managing newsrooms, aap kafi arse tak Tribune ke editor bhi the, since its launch you were one of the members of the founding team, you built a team, you built a newspaper, yes, that did really well, that actually forced its competition giants like Dawn to actually change the way they did news, yeah, reporting news. We've all seen your accomplishments. Jab aap Tribune ke editor the, what was your biggest fear? I think there were not one, many fears. Ek fear to ye tha ki in terms of because we were fighting Dawn had a very big reputation, it had a very loyal readership. To sabse hame jo fear hoti thi ki we don't get it wrong, koi aisi story na chali jaye jiski wajah se hamari credibility affect ho. To ye bada important tha. Ek dafa ek story chali gayi thi jo एक न्यूज़ एजेंसी ने रिलीज़ की थी और हमने गलती से छाप दी थी. वी वर नॉट दी ओनली वंस.
और न्यूज़पेपर्स ने भी छापी थी, दैट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ पीपल सेट के नहीं कि ये फेक खबर छापी है ये सब. तो एक तो ये था फियर के फेक या प्लांटेड स्टोरीज या मिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं, दैट वाज वन फियर. द अदर फियर वाज टू रिटेन गुड पीपल, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड, व्हेन आई सॉ इट इन द न्यूज़ एज वेल, व्हेन द न्यूज़ टीम वाज देयर, इट स्टार्टेड गाजी सलाउद्दीन साहब वाज द एडिटर इन कराची, ही बिल्ट अ वेरी गुड टीम, बट देन दिस टीम स्टार्टेड ब्रेकिंग अवे. और इट इज़ वेरी ईजी फॉर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस टू पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग करते हैं, वो देखते हैं कोई अच्छा है उसको. तो दैट वॉज द अदर फियर, ह्यूमन रिसोर्सेज. थर्ड फियर ऑफ कोर्स वॉज द फैक्ट दैट जैसे ट्रिब्यून पे अटैक हुआ था एक्सप्रेस ग्रुप पे, सेफ्टी ऑफ आवर कलीग, सेफ्टी खास तौर पे बिकॉज आई वॉज ओवरसीइंग एडिशंस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, डिजिटल. पेशावर का ऑफिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम कराची. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन कराची डिड नॉट नो द कंडीशंस इन विच द जर्नलिस्ट ऑपरेटेड इन पेशावर. आई वुड सी दैट बिकॉज आई वुड बी विद देम एट टाइम्स. तो उनकी सेफ्टी, उनकी जो साथ साथ सेफ्टी के साथ सैनिटी, उनकी मेंटल और फिजिकल सेफ्टी की बात थी, और उधर मुझे दिखता था कि बहुत चैलेंजेस हैं. सो दिस फियर इज़ वेल टू नॉट लेट डाउन माय कलीग्स. एंड वन फाइनल फियर वाज दैट यू नो इन टर्म्स ऑफ माय कलीग्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस नॉट टू डिसअपॉइंट देम. दीज वर माय फियर्स. सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट क्या थी वहाँ सर एट ट्रिब्यून ओवर ऑल दीज इयर्स? व्हाट डू यू रिमेंबर एज दिस इज व्हाट माय लेगेसी इज? आई थिंक द अकम्पलिशमेंट वाज ब्रिंगिंग आउट अ न्यूज़पेपर दैट वाज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. जब मैंने ज्वाइन किया था ट्रिब्यून, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, इवन पीपल इन आवर मैनेजमेंट डिड नॉट बिलीव कि वी कुड पुल इट ऑफ इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द हमारे लेआउट. तो वी हैड अ पोलिश डिज़ाइनर, बट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, तो पाकिस्तान में एक बड़ा मसला होता है कि शुरू चीज़ होती है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता. वी फॉर द 7 years दैट आई वॉज इन ट्रिब्यून, आवर स्टैंडर्ड्स डिड नॉट गो डाउन. वी हैड आई मीन वी हैड पीपल लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटर आई थिंक, शी गेव अस अ कॉम्प्लीमेंट, शी ड्रॉप्ड द पेपर. अदर पीपल आई मीन पीपल वी रिस्पेक्ट, पीपल वी लुक अप टू इन द प्रोफेशन, दे हैड वेरी हाई praises for our work, and only because of the fact that we tried to make sure that despite the trying circumstances in Pakistan, despite all the pressures, despite all the challenges you face, we managed to keep the standard. That was the biggest achievement, I think. Well, sir, Tribune ke editor hone ke baad aapne usko khada bhi kiya, fir usko aapne chalaya bhi. Jab aapke paas एक इंस्टीट्यूशन आया और आपसे कहा गया कि आप अब डायरेक्टरशिप संभालें और इस ट्रेनिंग्स कराएं, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? क्यों आपने सोचा कि यू नो यू रनिंग अ न्यूज़पेपर, बड़ा डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है न्यूज़ रूम का और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, व्हाट मेड यू सॉर्ट ऑफ जंप द शिप? वेल एक्चुअली आई डिडंट जंप द शिप एज द वे यू सेड. जो सीजे है, I was affiliated or associated from the very beginning. In fact, I was the first chairperson of the board of advisors of CEJ. So, main aur jab CEJ bana hai to inhone jo survey kiya ya jab CEJ bana aur uske baad inhone intake li, usme mera bahut input tha. I was working closely jo us waqt jo log the CEJ ko jo chala rahe the unke saath aur jo trainers the, to ye nahi tha ki I just came, so I knew about the project and I was a very strong supporter of this project. Mm-hmm. Tribune mein ye hua ke 2016 mein things started changing, and I felt that jo main achieve karna chahta Tribune mein I had, which is that the paper was running, the paper was doing very well, the paper had developed its name in terms of the work being done, the work was being, we had our team in place. So I somewhat decided ke now I need another challenge. And 5.5 years with the paper is good enough time. So that's why I thought ke to move. And I was very, very, I've always thought ke journalism ka sabse bada jo masla hai, wo hai training. It is the journalists hamare jo hai, they're not trained properly. So I wanted to do that. So hame usme jo ye, jab ye, they approached me, CJ wale pehli dafa, to maine उस वक्त आई सेड कि नो आई वॉन्ट टू स्टे इन ट्रिब्यून. टाइम एंड अगेन दे केम बैक एंड दे सेड
कि दिस सेंटर हैज़ टू यू नो उसके डायरेक्टर जो डायरेक्टर थी वो जा चुकी थी और देर वॉज टाइम एंड देर वॉज नो डायरेक्टर देर वॉज एन एक्टिंग डायरेक्टर सो दे सेड आप आए तो देन आई डिसाइडेड टू कम ऑन बोर्ड Five years down the line. Yeah. Do you regret that decision? Not at all. I think it was time for me. You see, there are a number of questions people ask me. They ask me, do you regret leaving Tribune? Because that was the center of the action. You know, newsroom hai. I never regretted it. वो एक time था उसका. उसमें लोग मुझे जो सबसे ज़्यादा amusing लगती है बात कि जब मैं ट्रिब्यून में था बहुत सारे लोग मुझसे बात करते थे जब मैंने ट्रिब्यून छोड़ दी उन्हें बात करना छोड़ दी तो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम आई नो दैट आई हैव सीन दैट हैपन अगेन एंड अगेन बट अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल स्टार्टेड टॉकिंग टू मी दैट्स वन द अदर थिंग इज दैट आई डोंट रिग्रेट लीविंग सीजे अगेन बिकॉज आई थिंक आई हैव अचीव्ड जो हम करना चाह रहे थे वो हमने कर लिया वी सेट अप एन इंस्टीट्यूशन वी मेड द इंस्टीट्यूशन वी रैन द इंस्टीट्यूशन वी रैन इट वेरी वेल तो या तो ये हो कि आप कहें कि नहीं चल रहा था बस वी डिड एवरीथिंग सो देयर इज नो सॉर्ट ऑफ रिग्रेट देयर एज वेल इसी पे बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हुए कमल सर व्हाट वाज योर विजन आई नो यू वर अफिलिएटेड विद सीजे बिफोर यू जॉइंड एज द डायरेक्टर बट आप जब डायरेक्टर की पोजीशन पे आ रहे थे व्हाट वाज योर विजन कि मैंने कुछ टारगेट्स आपने अपने लिए भी सेट किए होंगे मैंने ये अचीव करना है Right. क्या था एंड डू यू थिंक यू डन जस्टिस टू दैट ओवर द लास्ट 5 इयर्स देखिए जब मैं व्हेन द सीजे प्रोजेक्ट स्टार्टेड उसके तीन टारगेट्स थे एक था ट्रेनिंग ऑफ जर्नलिस्ट दूसरा था एक मास्टर्स प्रोग्राम शुरू करना और तीसरा था कि एक आप स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाएं जो फिर इस्तेमाल होगी नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन द रीजन व्हेन वी स्टार्टेड व्हेन आई जॉइंड इट हैड बीन 2 years आउट ऑफ अ 3 year ग्रैंड पीरियड उसमें उस वक्त मुझे चैलेंज ये था कि जब ग्रांट ख़त्म हो जाएगा इट इज़ वेरी ईजी टू रन अ प्रोजेक्ट इन अ ग्रांट पीरियड आपको पैसे नहीं रेस करने होते यू जस्ट नीड टू स्पेंड मनी थोड़ा सा ग्रांट का बता सकते हैं सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रांट्स गिवन बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट टू एनी प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ यूएस $5 million के ग्रांट था जिसमें ये जो मैंने आपको बताया कि फैसिलिटी सेटअप करनी थी इन टर्म्स ऑफ द न्यूज़ रूम द स्टूडियो ऑल द फैसिलिटीज द रेडियो लैब एवरीथिंग एंड ऑल्सो इसमें यह था कि स्टार्ट अ मास्टर्स प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम के लिए था कि three people would be selected to go to the US, get a master's in journalism from Medill and then come back and teach. And the third, of course, was that continue trainings of journalists, getting journalists from all over Pakistan to come and train. Aur uske liye jo trainers aate the, wo joint hote the, ek Pakistani trainer hota tha, ek American. Toh ye grant ne cover kiya tha. But jaise grant, I came in when the grant was ending. Aur mere liye sabse bada challenge ye tha to make sure that CEJ continues its trainings. starts its master's program और ये जो facility है ये maintain हो तो ये तीनों मैंने अचीव किया एक तो ये कि सी जे की ट्रेनिंग्स डिड कंटिन्यू हमने वी वेंट फॉर अदर स्पॉन्सर्स पीपल सॉ द वर्थ ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग एंड दे स्पॉन्सर्ड आवर वर्क वी गॉट ऑन बोर्ड अ नंबर ऑफ बिग नेम्स द अदर थिंग दैट वी डिड वॉज दैट वी ड्यूरिंग माई टाइम वी स्टार्टेड द मास्टर्स प्रोग्राम उसके लिए एच ई सी से प्रपोजल बनाना अप्रूवल लेना एन ओ सी लेना वो सब किया और तीसरा ये था कि इन टर्म्स ऑफ द इफ यू लुक एट द फैसिलिटीज दैट वी हैव मेंटेन करना उनको इंप्रूव करना वो हमने किया मतलब वी विल कम बैक टू द एमएसजे राइट बट जस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द फैसिलिटी आपने जो जिक्र किया इट्स अ ब्यूटीफुल फैसिलिटी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो बाकी न्यूज रूम्स में भी इक्विपमेंट नहीं है वो यहाँ पर मौजूद है लेकिन एक शिकायत आती है जर्नलिस्ट कम्युनिटी से कि एक्सेस नहीं मे बी बिकॉज वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में है शायद गेट पास का मसला होता है या लोग आने से कतराते हैं पीपल डोंट नो अबाउट इट कि किस टाइप का इक्विपमेंट है तो ये ऐसा क्यों है कि ये फैसिलिटी इतने पैसा भी खर्च हुआ लेकिन अंडर यूटिलाइज आपके या तो इज इट अंडर यूटिलाइज डू यू थिंक सो एंड वाई सो देखें जब हमने शुरू किया था तो हमारा था ट्रेनिंग्स और मास्टर्स एमएसजे दोनों थे तो उसमें अंडर यूटिलाइज नहीं थे इनफैक्ट वी स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल तो वी इट वाज नॉट अंडर यूटिलाइज इट वाज समथिंग दैट एंड माय बिलीफ वाज दैट जैसे मास्टर्स प्रोग्राम ग्रो होगा जैसे हमारी ट्रेनिंग्स भी ग्रो होंगी तो इनफैक्ट दे विल कम अ टाइम व्हेन ये कम पड़ जाएगा बट दो तीन ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो हमारी ट्रेनिंग्स पे इफ़ेक्ट हुआ और उसमें एक तो ये हुआ कि हमारा जो एक गवर्नमेंट ने एक
नेक्टा के थ्रू एक सर्कुलर किया कि आप नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन टेक फंडिंग फ्रॉम एनी फॉरेन बॉडी विदाउट एन NOC फ्रॉम द इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन. इसमें क्या हुआ कि कुछ हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी वो रुक गई. जैसे एक हम काम कर रहे थे ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें हम सर्टिफिकेशन करा रहे थे जर्नलिस्ट के, बिकॉज वी फेल्ट के जर्नलिस्ट जो हैं उनकी चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो उनकी सर्टिफिकेशन नहीं होती, उसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिलती बाहर खासतौर पर वेयर पीपल वॉन्ट. तो हम एक सॉर्ट ऑफ एक पॉलिटेक्निक टाइप सिचुएशन जहाँ हम एक स्किल पढ़ा रहे थे उसके बेसिस पे सर्टिफिकेशन, वो हमारा प्रोजेक्ट रुक गया. और ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट्स थे जो हमें मिले थे डिफरेंट डोनर्स से, वो रुक गए बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन. अच्छा, उसकी वजह से हमारे पोटेंशियल डोनर्स भी, हम लोग आते थे देखने के लिए, डिप्लोमेट्स आते थे फॉरेन NGO से, वो रुक गया. तो हमने फिर क्या किया, तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा गैप आ गया. साथ साथ में हमारे जो मास्टर्स प्रोग्राम था आफ्टर 3 बैचेस उसमें भी NOC HEC ने कैंसिल कर दिया, उसमें गैप आ गया. तो इट वॉज़ अ टेम्प्ररी फेज़ जहाँ हमें लगा कि अंडर यूटिलाइज है. बट इसके दो, आपने एक बात की कि जर्नलिस्ट को एक्सेस नहीं था. नो, आई डिसएग्री. जिस जर्नलिस्ट को हमने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, एक तो हमने जैसे कुछ इदारों के साथ, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और कुछ जर्नलिस्ट जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे जो नॉन कमर्शियल काम कर रहे थे, हमने उनको फ्री फैसिलिटी दी. वी अलाउड देम, जस्ट फॉर एग्जांपल हेरल्ड ने एक सीरीज़ की थी एक वक्त में, और ऑर्गेनाइजेशंस आई थी हमारे पास, जर्नलिस्ट आए थे अपना काम करने. जहाँ नॉन कमर्शियल था हमने उनको नहीं चार्ज किया, जहाँ वो कमर्शियल काम करते हमने उनको चार्ज किया. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो आर अ प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर, वी हैड टू मेक मनी. तो एक तो ये, दूसरे ये कि हमने पूरी कोशिश की कि वी वर्कड विद प्रेस क्लब्स, वी वर्कड विद जो आपके यूनियंस हैं, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सारे, इनको साथ मिलाया कि आप भी अपने फंक्शंस करें, आप भी अपने इवेंट्स करें इधर. तो वी इट वॉज नॉट दैट इट वॉज, आई थिंक अ लॉट हैड टू डू विद द फैक्ट दैट एक तो ये कि इक्विपमेंट की यूसेज में भी कुछ एहतियात होती है. आप एकदम से हर चीज़ को, तो हमें वो जब मैंने आपसे कहा ना कि वी मेंटेन दैट इक्विपमेंट, उसका यही था कि वी मेड श्योर दैट इट वॉज प्रॉपर्टली यूज, प्रॉपर्टली यूटिलाइज, इट वॉज डन इन सच अ वे के आप ये समझें कि वी मैनेज टू कीप दैट इक्विपमेंट सेफ. तो आई डोंट थिंक इट वॉज एन इशू ऑफ एक्सेस. हुएवर वॉन्टेड इट एंड कुड प्रूव दैट दे वर एबल टू यूज इट, वी नेवर डिनाइड देम दैट. सर MSJ पे आते हैं. हाँ, सस्पेंड हुआ, अभी भी सस्पेंडेड. हाँ हाँ हाँ, HEC से आपकी बातचीत भी चली. हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला. वेयर इज द लैकिंग, मसला क्या है? देखिए, MSJ जो है ना, ये इट्स अ वेरी यूनिक प्रोग्राम. जब पहली दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन की थी HEC को, उस वक्त भी उन लोगों को नहीं समझ में आया था है क्या. मैं एक डायरेक्ट सफ़रर हूँ और मेरी तरफ बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो सफ़रर हैं, बिकॉज वी डिड अ मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन. आपको मैंने कहा 1991 में मैंने अपना मास्टर्स किया, साथ साथ मैंने न्यूज़ ज्वाइन किया. जो मैंने मास्टर्स में सीखा उसमें से बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने न्यूज़ रूम में अप्लाई की, बिकॉज जो डिग्री थी मास्टर्स की जर्नलिज्म की या मैस कम्युनिकेशन की, उसने कोई प्रैक्टिकल एलिमेंट नहीं था, सारा थियोरेटिकल था. उस वक्त से मैंने सोचा था कि जब मुझे कभी मौका मिलेगा, आई विल ट्राई टू बी पार्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव जिसमें जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग मिले प्रैक्टिकल, ताकि वो स्ट्रेट जाएं और फिर न्यूज़ रूम जाएं. ये MSJ, दिस वॉज दैट. बट हमें बहुत रेजिस्टेंस मिली इसके ऊपर. हमें जो एकेडेमिया है, जो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं HEC में, उनसे बहुत रेजिस्टेंस मिली, बिकॉज दे फेल्ट कि इसमें अकॉर्डिंग टू दम एकेडेमिक रिगर नहीं है. और एकेडेमिक रिगर मीन इन माई व्यू एट द एंड ऑफ द डे आवर MSJ वॉज नॉट अ प्रोग्राम फॉर डूइंग अ PhD. इट वॉज वेरी क्लियर कि ये जो है दिस वुड लीड टू अ जॉब इन अ न्यूज़ रूम. वेन वी स्टार्टेड ऑफ बड़ी रिलेक्टेंटली उन्होंने NOC दिया. उस वक्त भी उन्होंने कहा कि PhDs दो होने चाहिए. उस वक्त भी हमने ये आर्ग्यू किया था कि टॉप जर्नलिज्म स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें जो पढ़ाते हैं दे डोंट नेसेसरीली हैव अ PhD. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, पीपल हु आर फ्रॉम द प्रोफेशन. टेक मी, आई हैव 30 इयर्स एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म, दैट शुड काउंट फॉर समथिंग. आई नोबडी कैन टर्न अराउंड से टू मी कि यू कांट डू, यू कैनॉट टीच बिकॉज यू डोंट हैव अ PhD. 3 बैचेस के बाद 2020 में हमें कहा गया कि आपका NOC हम कैंसिल करें बिकॉज आपने 2 PhDs नहीं रखे. देन वी स्टार्टेड द सर्च फॉर PhDs. देन वी स्टार्टेड टू लुक. हमने तकरीबन more than 10 people were interviewed. I was very keen to start this program because I always believed that the only way this program is prosper is if we continue it. If we continue it and we, the more
ग्रेजुएट्स कम इनटू द मार्केट द मोर रियलाइजेशन. आपने कहा ना कि लोगों को इस एमएसजे का सीजे के बारे में पता नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हम जो मास्टर्स के बहुत कम निकले हैं, ओवरऑल तकरीबन 50 निकले हैं. दे शुड बी मच मोर इन द फील्ड, दे विल स्प्रेड द नेम. तो इन दैट सेंस आई फील दैट इट वॉज एच was very unfair to us by cancelling the NOC without fully. Or in fact, यहाँ तक बात आ गई थी कि जो चेयरमैन थे IHEC के, जो प्रीवियस चेयरमैन, उन्होंने कहा आई एम कन्विंस्ड बट इट्स नॉट इन माई हैंड्स. हम लोग जर्नलिज्म की अब गालियाँ देते हैं, हम कहते हैं जर्नलिस्ट ऐसे हैं, जर्नलिज्म ऐसा है, पाकिस्तान में हम बुरा भला कहते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई एफर्ट किया जा रहा है टू इम्प्रूव, टू मेक थिंग्स बेटर, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द जर्नलिस्ट, उसको हम सपोर्ट करने को तैयार हैं. सो दैट फॉर मी इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई थिंक इकबाल सर बहुत रिनाउंड एकेडमिक्स भी हैं और यू नो पीपल हू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी ये बात करते हैं कि जी व्हाई डू यू नीड अ प्रोग्राम लाइक TMSJ, बिकॉज न्यूज़ रूम इफ यू लुक अराउंड शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है कि कोई किसी ने भी कुछ भी पढ़ा हुआ है, कोई न्यूरो साइंस पढ़ के आया हुआ है, कोई अकाउंटिंग पढ़ के आया हुआ है, न्यूज़ रूम में तो हर कोई फिट हो जाता है, तो फिर MSJ की ज़रूरत ही क्या है? देखें MSJ, यस यू आर राइट, हर कोई फिट हो के बिल्कुल सही वर्ड किया, बट वो वक्त और था. और ये सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कैडेटशिप होती थी. आप कोई डिग्री करके आए, आप कोई यू नो ओ लेवल्स करके आए, एक सिस्टम होता था, उसको कहते थे कैडेटशिप. पाकिस्तान में इनफॉर्मल था, कुछ जगहों पे फॉर्मल था. उधर आपको एक शख्स ट्रेनिंग करता था, आपका मेंटोर होता था. वो सब सिस्टम्स ख़त्म हो गए, पहली बात. दूसरी बात यह है कि जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, जो स्किल्स एट द लेवल, आपने खुद ही कहा हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो, आपने खुद ही कहा कि ये स्टूडियो और कहीं नहीं है पाकिस्तान में. तो इस स्टूडियो में, इन फैसिलिटीज़ के जो पढ़ा रहे हैं, वी आर यूनिक इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स दैट वी पास ऑन टू आवर स्टूडेंट्स. हमारे स्टूडेंट्स जो है ज़्यादातर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इंडस्ट्री इज़ इन अ क्राइसिस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर नो जॉब्स, मोस्ट ऑफ आवर ग्रेजुएट्स हैव गॉटन जॉब्स इन द इंडस्ट्री. दैट टेल्स यू समथिंग के देयर इज़ अ डिमांड फॉर आवर स्टूडेंट्स. येस दैट डिमांड, the sort of the what skills they want may change slightly, and we are very cognizant of that. We have a board of advisors that comprises leading names from the media industry. वो हमें बताते हैं, हमारी quarterly meetings होती थी, उन्हें बताते थे कि आप ये course शुरू करें, आप ये करें, आप ऐसे. साथ साथ में मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता था. मैं I used to go to a lot of universities, I used to go to a lot of media newsrooms टू सी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. फ्राम कराची टू खैबर टू क्वेटा, ऑल प्लेसेज एवरीबडी नोज आई बीन टू एटलीस्ट द न्यूज़ रूम एटलीस्ट वंस. तो इट वॉज़ वेरी मच देयर कि हम लोग जो थे, वी वर वेरी वेरी क्लियर अबाउट के वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द. तो ये कहना कि MSJ के शोज इग्नोरेंस, के इट्स शोज़ अ बिट ऑफ कि यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट. आपने मार्केट अपने हिसाब से आपने ठीक से समझा नहीं है. बिकॉज अगर कोई प्रोफेशनल मुझसे कहे, अगर somebody who's in the industry says to me कि भाई आप जो पढ़ा रहे हैं, आप प्रोफेशनल से जाके बात करें, ख़ासतौर पे प्रिंट मीडिया को छोड़ दें, प्रिंट मीडिया इज़ अ डाइंग इंडस्ट्री, आप बात करें डिजिटल मीडिया में लोगों से, उनको दिखाएं, वो दे आर वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ क्लियर कि जो काम CAJ कर रहे हैं और काम MSJ में हो रहा था, इट वॉज़ वेरी वेलकम फॉर देम. लुकिंग बैक एट दिस 5 years, यू नो, वी टॉक अबाउट CAJ, आप कोई एक ऐसा अकम्पलिशमेंट विच यू आर वेरी प्राउड ऑफ, विच इज़ द वन थिंग यू होल्ड डियर कि यार ये मुझे करना था एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ एंड आई डिड दिस, ये अकम्पलिश किया? एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं. देखें, रनिंग द सेंटर, मेकिंग अ प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर थे, एवरी ईयर वी मेड अ प्रॉफिट. लोग कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चला के दिखाया, एक अचीवमेंट. ये इंडाउमेंट फंड क्रिएट किया ताकि ना सिर्फ ये कि हम प्रॉफिट में, बट हमने CAJ की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो पैसा जो है वो CAJ को आता है हर साल. तो ये किया, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया. इसके अलावा मोर देन 6,000 जर्नलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसमें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग, वी मेड श्योर फॉर अ कपल ऑफ थिंग. नंबर वन, कि पूरे पाकिस्तान से, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हमने जो जर्नलिस्ट ट्रेन किए वो KP से हैं, नॉट फ्रॉम सिंध. देन लुकिंग एट प्लेटफॉर्म्स के डिजिटल, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, हर जगह से हमने ट्रेनिंग्स हम लोगों को लोगों को लाए. जेंडर बैलेंस मेंटेन किया, मेन वेमेन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को हमने इंकरेज किया कि आके हमारे साथ ट्रेनिंग करें. पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़, उनको हमने ट्रेनिंग्स दी, खुद गए उधर. आपको याद है, आप भी गए थे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में आउटरीच किया.
तो ये सब चीज़ें ये अचीवमेंट्स हैं एट अ टाइम व्हेन आप और यूनिवर्सिटीज़ देखें कुछ नहीं होता उधर, तो ये एक अचीवमेंट कि वी वर वेरी इंक्लूसिव इन आर अप्रोच. कोई नोबडी वाज टर्न्ड डाउन बिकॉज ऑफ फॉर वन रीज़न एक्सेप्ट फॉर मे बी कॉम्पिटिशन जिसमें हमने रेलिवेंस देखे, अदर देन दैट नहीं. अगेन हमारी एक अचीवमेंट थी जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज़ आर वेलबींग सेंटर. हमने एक सर्विस शुरू की थी इन कोलेबोरेशन विद DW जिसमें हमने काउंसलिंग प्रोवाइड की टू वर्किंग जर्नलिस्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर. वो 3 साल चलाई उसको. वो दैट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अमंग्स द जर्नलिस्ट्स. उससे अब मैं देख रहा है कि अब वो ख़त्म हो रही है, बट एट द सेम टाइम उसके बेसिस पे अब बात हो रही है कि न्यूज़ रूम में ये सर्विसेज होनी चाहिए. ये एक अचीवमेंट थी. साथ साथ में अचीवमेंट्स में ये भी आता है कि इन टर्म्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स आई एम वेरी प्राउड. लुक एट वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग. दे आर गोइंग टू बी द लीडर्स फॉर टुमारो. वी हैव गिवन देम द राइट डायरेक्शन. वी हैव गिवन देम द स्किल्स. वी हैव गिवन देम द. हमारे बड़े इंटेंसिव डिस्कशंस होते थे. हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स आते थे उनसे जो बातें होती थी उनको हमने बहुत अच्छा एक वो दिया था प्लेइंग फील्ड. इसमें वो दे डिड हमारे इंटरनेशनल लिंकेजेस. हमारे स्टूडेंट्स जो थे दे वेंट टू श्रीलंका, दे वेंट टू नेपाल, दे वेंट टू दे डिड प्रोजेक्ट्स विद यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. वी वर नॉट वी आई मीन CEJ MSJ वॉज इमर्जिंग एज वन ऑफ द रीजनल सेंटर्स. रीजनल डिग्री बन रही थी. तो ये सब अचीवमेंट्स हमारे के वी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद इन CEJ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट. That was also an achievement. I mean, in terms of the number of people, the people who joined CEJ, the gender balance there, the diversity of the people, the kind of work they did, the people who joined CEJ who were retained, they've been there for 4 or 5 years, their professional development. All these are achievements. But the most important thing is that to work towards improving the quality of journalism in Pakistan. उस पर हमारा आई थिंक वी हैव प्लेड सम वॉट ऑफ अ रोल इन दैट. हालांकि देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन. वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सच पीपल. सो दीज आर द अचीवमेंट्स. सर इतनी अचीवमेंट्स भी गिनवा दी, कोई चीज़ रिग्रेट करते हैं पिछले 5 साल में? आई थिंक जो रिग्रेट मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ वो यही है कि लोग समझ नहीं पाए कि क्या है ये, वॉट इज़ द पोटेंशियल ऑफ CEJ and MSJ. देखिए मैं जब CEJ में आया था मेरा विजन था टू मेक इट अ रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. मैंने देखा इंडिया में एक है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म दैट डील्स विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर साउथ एशिया. वो आते हैं उधर जर्नलिस्ट पढ़ते हैं. मेरा विजन था कि इसको मैं रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाऊंगा कि पूरे साउथ एशिया से, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका, अफगानिस्तान से, हम लोग लाए थे ड्यूरिंग माई टाइम. श्रीलंका से भी जर्नलिस्ट हम ला चुके हैं, अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हम लाए हैं. और मैंने उनका चेंज देखा. जो अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट आए थे एक डॉक्यूमेंट्री कोर्स के लिए, जब वो आए थे उनका क्या एटीट्यूड था, और जब गए थे वो कैसे गए थे. दे वर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ दे स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट पाकिस्तान. और मेरी पूरी कोशिश थी कि हम इधर लोगों को लाएँ, उनको दिखाएँ, अपने काम उनके साथ काम करें, बिल्ड ब्रिजेस, बिल्ड अंडरस्टैंडिंग. तो मेरी सिर्फ ये रिग्रेट है कि वो अचीव नहीं कर पाया मैं. फॉर वॉट एवर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गई, बहुत सारे सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंसेस, अनवांटेड हिंड्रेंसेस, पेटी पॉलिटिक्स, ये सब आ गई, जिसकी वजह से वी लॉस्ट साइट ऑफ द बिगर विजन. हम छोटी चीज़ों में फंस गए. यही रिग्रेट है बस. व्हाट इज़ द वन थिंग यू वुड वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर? अगर कोई 5 साल बाद स्टूडेंट आता है और ये वीडियो देखता है और ही नोस, ही और शी नोस के कमाल साहब इधर के डायरेक्टर रह के गए, आपको किस चीज़ के लिए वो याद करें? आई थिंक माई फेथ इन जर्नलिज्म, माई बिलीफ इन जर्नलिज्म. जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो कभी कभी वो थोड़े से दे लूज फेथ इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशन. वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन का क्या वो है फ़ायदा, सेंसरशिप हो रही है, आप देखते हैं एक से एक फ्रॉड इस प्रोफेशन में आ गया है, आप देखते हैं जो लोग गलत काम करते हैं वो पैसे बनाते हैं सब. बट आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ, और मैंने अपने सामने देखा है टाइम एंड अगेन लोगों को देखा, जर्नलिस्ट को जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उनको अभी तक लोग याद रखते हैं, उन जर्नलिस्ट को याद करते हैं, बिकॉज दे स्टूड बाई, दे वर फाइटिंग द गुड फाइट. आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज समबडी हु वॉज फाइटिंग द गुड फाइट. दैट शुड बी समथिंग दैट दे शुड, आई वुड वॉन्ट देम टू रिमेंबर मी बाई. एंड कुमार साहब, फाइनली एनी
word of advice for future journalists, joke CJ aaye ya NSJ aage aaye, any final word of advice? Advice is to keep on trying to understand what are the requirements of the industry. The industry's requirements will change. The industry will require you to do different things. You have to adapt. You have to, you can't say that I can't do this, I can't do that. You cannot be selective. There's so much competition out there. There's competition from different quarters. So you have to adapt, you have to excel. And very important that you have to have an interest in what you're doing. कि आप अगर जर्नलिज्म में आए तो एक पर्पज से, मैंने आपसे कहा शुरू में कि मैं जर्नलिज्म कार्टून कैरेक्टर्स नहीं, मुझे इंस्पायर, वो ठीक है अपनी जगह, बट इफ़ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई वाज डूइंग, इफ आई वुड स्टार्ट माय डे इन द मॉर्निंग, गो टू कराची यूनिवर्सिटी, देन आई वुड गो टू द न्यूज़, माई डे वुड स्टार्ट एट 8 AM, इट वुड एंड एट 2 AM, बट आई वॉज नेवर टायर्ड बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन व्हाट आई वॉज डूइंग. दैट इज़ द पैशन दैट यू शुड कम इन टू द प्रोफेशन विद. एजुकेशन के बाद जब सीजे ने आपको ऑफर किया कि आप नॉट जस्ट इन एडवाइजरी कैपेसिटी, आप डायरेक्टर के तौर पे हैं, तो उस वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, ये जो सेंटर बना है, इससे पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, दैट टुक अ नंबर ऑफ इयर्स, जिसमें सर्वेज हुए थे, जिसमें किया पूछा गया था, न्यूज़ रूम से पूछा गया था कि क्या ट्रेनिंग्स की जरूरत है, क्या आपको चाहिए. एडिटर्स से, न्यूज़ डायरेक्टर से पूछा गया था, अगर आप किसी को हायर करेंगे क्या स्किल्स होनी चाहिए. तो ये पूरी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें ये फाइनली कंक्लूजन हुआ था कि हम एक सेंटर इधर बनाएंगे जिसमें ये फैसिलिटीज़ ऑफर होंगी, ये ट्रेनिंग होगी. अमेरिकन गवर्नमेंट की, आप लोग कहते हैं अमेरिकन एजेंडा, ये सब, मेरे लिए तो सिंपल सी बात थी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग मिल रही है इनिशियली, और थ्रू आउट जो ट्रेनिंग हुई है शायद वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो हुई है वो फ्री है. ग्रांट ख़त्म होने के बाद भी जो ट्रेनिंग्स हमने की, वो जो हम सेलेक्ट करते थे, स्पॉन्सरशिप हमें कॉरपोरेट सेक्टर से आती थी, वो कोई जर्नलिस्ट ने कोई पैसे नहीं दिए जो उनकी स्किल्स. तो ये जो है, रिगार्डलेस ऑफ हु इज़ पेइंग, द फैक्ट दैट ये ट्रेनिंग्स हो रही थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट पूरी एक्सरसाइज केम फ्रॉम दिस होल स्टडी, दिस सर्वे, कि क्या ज़रूरत है मार्केट को. ये दूसरी बात है कि इन बिटवीन द सेंटर्स फंक्शनिंग, हमारी इंडस्ट्री सफ़र्ड अ ट्रांजिशन, अ क्राइसिस, जिसमें जॉब्स गईं, जिसमें कुछ अखबार बंद हुए, चैनल्स चेंज, बहुत सारी चीज़ें हुई. तो वी हैड टू कोप, वी हैड टू चेंज विद दैट, वी हैड टू चेंज एंड वी डिड. हमने अपनी ट्रेनिंग्स चेंज की, आपको याद है डेटा जर्नलिज्म आ गया, मोबाइल जर्नलिज्म पे हमें दिखा के इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो सब काम हो गए. फिर तो इवॉल्विंग, इनिशियली जो सर्वे हुआ उसमें जो ट्रेनिंग्स हुई, आई फेल्ट दैट वाज द नीड, बट जैसे जैसे हमने देखा आगे और ट्रेनिंग्स शुरू हुई, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के वी हैड टू वर्क विद दैट. सर, आखिरी सवाल, मुझे पता है मैंने बहुत सारे आखिरी सवाल पूछे हैं, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? आई थिंक इट्स टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट, आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद अ कपल ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम मैं, जैसे आपने सवाल पूछा था ना किताब का, रिपोर्ट, मे बी इट्स टाइम टू डू सम मोर वर्क फॉर द प्रोफेशन इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, नॉट एज अ फुल टाइम. सो आई हैव सम आइडियाज़ आई एम थिंकिंग अबाउट, बट आई फील दैट थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा कुछ नई नई चीज़ें करनी है, एक्साइटिंग चीज़ें करनी है. With these words, Kamal Saab, thank you very much for being with us. I hope everyone enjoyed this interview. It's goodbye for now, but we hope we will see Kamal Saab in some capacity among us, among the journalist fraternity, for many years to come. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.